तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से क्या हालात चल रहे हैं, तो अभी तो बहुत लोग आगे बढ़ के ह्यूमैनिटी के लिए एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का रीज़न यार कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है। अगर आपको लग रहा हो टाइटल को देख के कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैलाने आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है इस वीडियो के अंदर पॉजिटिव ही है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे दिमाग में एक आइडिया नहीं, एक सोच आ रही थी बहुत, के अभी तो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो सब एकजुट होके एक दूसरे से मिलजुल के इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन क्या जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या उसको भी हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के साथ खड़े होके फेस करेंगे? क्योंकि मैंने कई बार देखा यार, इंसान ना पैसे के लिए दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और ये आइडिया मेरे दिमाग में, या ये सोच मेरे दिमाग में इस वजह से आई क्योंकि जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई से सेम मेरे ऐसा बिज़नेस करता है, तो उसके मेरे को एक दो दिन तक रेगुलर यही मैसेज आया कि यार, वो यही कह रहा था कि यार बिज़नेस बंद हो गया, इनकम नहीं आ रही, मांगने वाले तो मांगेंगे ना, वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं समझेंगे। तो मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा भाई देख, पैसा आज है कल नहीं है, पैसा फिर भी कमा लेंगे, आगे भी कमा लेंगे, लेकिन बीमारी से मरने से तो अच्छा ही है। अगर ज़िंदा है, हाथ पैर सही सलामत है, तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा इंसान कमा जाएगा। तो उसी के साथ मेरे दिमाग में ये सोच आई कि यार, मैंने उसके अलावा भी काफ़ी बार सुना है कि इतने पैसों के लिए इसने उसको मार दिया, पैसे के लिए कोई किसी की मदद नहीं करता। तो क्या हम ये सब ख़त्म होने के बाद भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े होके, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सहारा बनेंगे? तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि यार, ये वायरस तो आज आया है, कल परसों तक तो चला जाएगा। मतलब एक टाइम है जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, जब इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेलने पड़ेंगे, कुछ टाइम की हमें महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्या उस महंगाई में भी इंसान एक दूसरे का सहारा बन के चलेंगे? इस वीडियो को बनाने का मेरा कारण यही था कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आज हम एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हैं, हम आगे भी ऐसे ही एक दूसरे का हमेशा सहारा बन के खड़े रहें। हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ वायरस ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो होगी उसको ख़त्म करने के लिए नहीं, लाइफ टाइम तक मैं चाहता हूँ कि जितने बंदे ये वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब वो अपने मन में ये चीज़ बिठा लें कि हमें एक दूसरे का सहारा बन के चलना है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बन के चलेंगे तो हमारी ताकत को कोई नहीं ख़त्म कर सकता, और ये बात पूरा वर्ल्ड भी जानता है। तभी हमेशा कुछ भी होता है तो इंडिया को आगे लाया जाता है, क्योंकि इंडिया में यूनिटी बहुत है, दूसरे वर्ल्ड्स के मुकाबले इंडिया में बहुत यूनिटी है। अगर हम सब एक साथ मिलके खड़े हो जाते हैं तो हमारे आगे कोई नहीं टिक पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वायरस है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाहे कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे अभी पीछे वायरस से पहले दिल्ली में दंगे हो रहे थे, काफ़ी जगहों पर दंगे हो रहे थे, जो CANRC का जो था, मैं रेगुलर न्यूज़ देख रहा था, लेकिन मैं इस सब के बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। बट उसके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें भी हम सब एकजुट होकर खड़े रहें और आराम से बात करें, आराम से सॉल्यूशंस मांगें, आराम से पूछें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिलहाल तो मेरा चैनल बहुत छोटा है, अभी इतने खास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मेरा चैनल बढ़ता है और भगवान की दया से मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आती है और आप लोग आगे बढ़ाते हो, तो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि जो भी इस चैनल से मंथली रेवेन्यू आएगा, वो मैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं अच्छे काम में लगाऊंगा और लोगों की मदद में लगाऊंगा। और ये काम करने का भी आइडिया मेरा मतलब इस सोच से ही आया था कि अगर पहल मेरे को खुद करनी पड़ेगी तभी आगे लोग जुड़ेंगे, तो इसलिए मैं खुद एक ही पहल करना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल से मंथली रेवेन्यू आएगा, जब आना शुरू होगा, तो उसका मैं कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगाऊंगा और लोगों की मदद में लगाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा या मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये इस सोच से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, और अगर मैं आप लोगों को सही लगूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आने वाले टाइम में मैं कुछ कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियोज़ भी बनाऊँ, फनी वीडियोज़, चैलेंज वीडियोज़, मैं दो तीन सोच रहा था, तो मैं वो भी बनाऊँगा, क्योंकि घर बैठे खाली बैठे हैं यार, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अब देखते हैं, ये वीडियो एक मेन बस ये पॉजिटिव मैसेज फैलाने के लिए थी, बाकी आगे की जो वीडियोस होंगी वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से होगी।